पुनरागमन अध्याय 6 पुनर्जन्म का तर्क विज्ञान। क्या कभी यह बात आपके मन में आई है कि संसार में दुष्टता क्यों है? इसका विवेचन देहांतरण करता है और साथ ही साथ उसे सही भी ठहराता है। जिन दुखों को हम भोगते हैं, यदि वे पूर्व जन्मों में किए गए पापों का परिणाम है, तो हम उन्हें समर्पण भाव से और इस आशा के साथ सहन कर सकते हैं कि यदि हम इस जीवन में पुण्य के लिए प्रयास करें तो हमारे भावी जीवन कम कष्टमय होंगे। विलियम सोमरसेट मॉम, द रेजर्स एज। एक ही दिन, एक ही समय में दो बालक जन्म लेते हैं। पहले के माता पिता संपन्न और सुशिक्षित होते हैं और उन्होंने वर्षों तक अपनी पहली संतान के आगमन के लिए उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा की है। उनकी संतान एक लड़का है जो बुद्धिमान, स्वस्थ और मनोहर है, जिसका भविष्य अनेक संभावनाओं से पूर्ण है। निश्चित ही भाग्य उस पर प्रसन्न है। दूसरा बालक पूर्णतया भिन्न जगत में प्रवेश करता है। वह ऐसी माता से पैदा होता है जिसे गर्भधारण की अवधि में ही त्याग दिया गया था। गरीबी में अपने बीमार नवजात बालक के पालन के लिए उसे किसी उत्साह का अनुभव नहीं होता। आगे का जीवन कठिनाइयों और तकलीफों से परिपूर्ण है और इनसे ऊपर उठना आसान नहीं होगा। संसार इस प्रकार की विषमताओं से भरा पड़ा है। ऐसी उग्र असमानताएं, जिनसे बहुधा ऐसे प्रश्न उठ खड़े होते हैं, विधाता इस प्रकार अन्याय कैसे कर सकता है? जॉर्ज और मेरी ने क्या किया था जिससे उनका पुत्र अंधा पैदा हुआ? ये तो भले लोग हैं, भगवान कितना निर्दयी है। तथापि सनातन अस्तित्व के दृष्टिकोण से पुनर्जन्म के सिद्धांत जीवन के विषय में विचार करने के लिए अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखने का अवसर देते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन की अवधि हमारे अस्तित्व का प्रारंभ नहीं समझी जाती, बल्कि वह काल में एक कौन से अधिक कुछ नहीं है। और हम समझ सकते हैं कि बहिरूपा से देखने पर एक पुण्यात्मा जीव जो बहुत कष्ट सह रहा है इस जीवन अथवा पूर्ण जन्मों पूर्व जीवनों में किए गए पाप कर्मों का फल भोग रहा है। सार्वभौमिक न्याय की इस बहुत दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने अपने कर्मों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है। हमारे कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। प्रारंभ में इन कर्मों को संपन्न किया जाता है अथवा बोया जाता है। समय आने पर वे धीरे धीरे फलीभूत होते हैं और उनकी परिणामी प्रतिक्रिया प्रकट होने लगती है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जीव के लिए सुखद अथवा दुखद हो सकती हैं और इसके प्रत्युत्तर में वह या तो अपने आचरण को सुधार सकता है अथवा अधिकाधिक पशुवत व्यवहार कर सकता है। दोनों ही दशाओं में पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी को निष्पक्ष रूप से पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित भाग्य के अनुरूप फल देती है। अपराधी कानून को जानबूझकर भंग करके कारागार में जाने का चुनाव करता है, परंतु दूसरा आदमी अपनी सेवा की उत्तमता के प्रभाव से उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। उसी प्रकार जीव अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करता है। वह अपने विशिष्ट शरीर रूप को अपने लिए स्वयं चुनता है, जो उसके वर्तमान एवं अतीत कर्मों की इच्छाओं पर आधारित होता है। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से यह नहीं कह सकता, मैंने जन्म लेने के लिए मांग भी कभी नहीं की थी। इस भौतिक जगत की बारंबार घटने वाली जन्म मरण की योजना में मनुष्य प्रस्ताव रखता है और ईश्वर उसका फैसला करते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी क्रिया शक्ति और कार चलाने की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर
किसी गाड़ी का चुनाव करता है, उसी प्रकार हमारी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार हम स्वयं निश्चित करते हैं कि भौतिक प्रकृति हमारे लिए किस प्रकार के अगले शरीर की व्यवस्था करेगी। यदि कोई मनुष्य इस मूल्यवान जीवन को, जिसका लक्ष्य केवल आत्म साक्षात्कार है, उसे भोजन, शयन, मैथुन और शरीर रक्षा जैसे पशु कर्मों में लगाकर व्यर्थ गंवा देता है, तो ईश्वर उसे ऐसी योनि में जन्म देते हैं जिसमें ऐसे इंद्रिय सुखों के लिए और अधिक सुविधा रहती है, किंतु जिसमें मानव रूप में अनुभूत किए जाने वाले उत्तरदायित्व तथा अन्य विचलित करने वाली रुकावटें नहीं होती। उदाहरणार्थ, एक पेटू आदमी को जो तरह तरह के ढेर सारे भोजन अनाप शनाप खाता रहता है, प्रकृति द्वारा सुअर या बकरी का शरीर दिया जा सकता है, एक ऐसा रूप जिससे वह बिना विवेक के मल और गंदगी को मजे से खा सके। पुरस्कार और दंड का यह उदार विधान पहले अनुचित लग सकता है, परंतु यह पूर्ण रूप से न्याय संगत है और भगवान की परम कारुणिक परिकल्पना से मेल खाता है। मनुष्य को अपने चुनाव अनुसार इंद्रिय सुख भोगने के लिए उपयुक्त शरीर चाहिए। जीव जिस प्रकार का शरीर चाहता है, प्रकृति उसे वही शरीर देकर उसकी इच्छाओं की उचित पूर्ति करती है। एक अन्य सामान्य भ्रामक धारणा जो पुनर्जन्म के स्पष्ट तर्क द्वारा निरस्त हो जाती है, उस धार्मिक मतवाद से जुड़ी है जिसके अनुसार केवल इसी एक जीवन काल में किए गए कर्म पर सब कुछ निर्भर माना जाता है, और जो सचेत करता है कि यदि हमने अनैतिक अथवा पाप का जीवन जिया तो हमें नरक के अंधतम लोक में सदैव के लिए दंडित किया जाएगा, जहां छुटकारे के लिए प्रार्थना भी संभव नहीं होगा। ठीक ही है कि संवेदनशील और ईश भावना से युक्त मनुष्य इस चरम न्याय की व्यवस्था को दैवी कम बल्कि आसुरी अधिक पाते हैं। क्या यह संभव है कि मनुष्य तो दूसरों के प्रति दया अथवा करुणा दिखाए, परंतु ईश्वर में ऐसी भावनाओं का अभाव हो? ऐसे मत ईश्वर को हृदयहीन पिता के रूप में चित्रित करते हैं, जो अपने बालकों को पहले तो कुमार्ग पर जाने दे और बाद में उन्हें अंतहीन दंड और उत्पीड़न भोगते देखे। इस प्रकार के विवेकहीन उपदेश भगवान और उनके अपने घनिष्ठ विस्तारों अर्थात जीवों के बीच प्रेम के सनातन संबंधों की अनदेखी करते हैं। परिभाषा के अनुसार मनुष्य को ईश्वर की प्रतिकृति के अनुरूप बनाया गया है, अतः भगवान में सब गुण पूर्णता की उच्चतम मात्रा में होने चाहिए। इनमें से एक गुण है दया। यह विचार कि एक संक्षिप्त जीवन के पश्चात मनुष्य पर नरक की अंतहीन यातना थोपी जाए, परमेश्वर के अनंत दयामय होने की कल्पना से मेल नहीं खाता। एक सामान्य पिता भी अपने पुत्र को अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए एक से अधिक अवसर प्रदान करेगा। वैदिक ग्रंथ बारंबार भगवान के महान कारुणिक स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। श्री कृष्ण तो उन पर भी कृपा करते हैं जो उनसे खुलकर घृणा करते हैं, क्योंकि वे सभी के हृदय में निवास करते हैं और सभी प्राणियों को अपने अपने स्वप्नों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अवसर देते हैं। वास्तव में भगवान की करुणा का कोई अंत नहीं है। श्री कृष्ण तो असीम कृपालु हैं और उनकी कृपा अकारण भी है। हम अपने पाप कर्मों के कारण इसके पात्र ना भी हों, परंतु भगवान प्रत्येक प्राणी से इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाने के लिए बारंबार अवसर देते हैं।
कुंती देवी जो श्री कृष्ण की परम भक्त थी भगवान से कहती हैं, आप परम नियंता हैं जिनका ना आदि है और ना अंत, और अपनी अहेतुकी कृपा को बांटने में आप सभी के लिए समान हैं। तथापि यदि कोई व्यक्ति सदा के लिए भगवान से दूर रहता है तो यह भगवान के द्वेष करने के कारण नहीं बल्कि व्यक्ति की ही अपनी बारंबार पसंद के कारण होता है। सर विलियम जोन्स ने जिसने यूरोप में भारतीय दर्शन का परिचय कराने की सहायता दी लगभग 2 शताब्दी पहले लिखा था, मैं हिंदू नहीं हूं परंतु मैं हिंदुओं के भावी अवस्था पुनर्जन्म संबंधी मतों को मानता हूं जो अपेक्षाकृत अधिक विवेकपूर्ण अधिक पवित्र और ईसाइयों के उन अंतहीन दंड की दीक्षा देने वाले भयावह मतों की अपेक्षा बेहतर है जो मनुष्य को पापों से निवृत्त करने के लिए अधिक सक्षम हो जाते हैं। पुनर्जन्म के मत के अनुसार भगवान दुष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए थोड़े से पुण्य को भी पहचानते हैं और उनको संरक्षित रख देते हैं। कोई 100% पापी हो ऐसा व्यक्ति विरले ही देखने में आता है। इसलिए यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में थोड़ी सी भी आध्यात्मिक प्रगति करता है तो अगले जीवन में उसे उस बिंदु से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। भगवान अपने शिष्य अर्जुन से भगवद गीता में कहते हैं, इस प्रयास कृष्ण भावना अमृत में ना तो कोई हानि होती है और ना ही कोई कमी आती है, बल्कि इस मार्ग में थोड़ी सी भी प्रगति महान भय अगले जीवन में मानव से निम्न रूप में लौटने का भय से बचाती है। आत्मा इस प्रकार अनेक जन्मों में अभ्यांतरिक आध्यात्मिक गुणों का विकास उस समय तक कर सकता है जब उसे भौतिक शरीर में जन्म लेने की आवश्यकता ही न रहे और वह आध्यात्मिक लोक में अपने मूल निवास को न लौट आए। मानव जीवन का यह विशिष्ट वरदान है, यद्यपि अपने इस जीवन में और पूर्व जन्म जन्मांतरों में किए गए पाप कर्मों के लिए व्यक्ति भयंकर कष्ट उठाने के लिए बाध्य भी हो, तथापि यदि वह कृष्ण भावना अमृत की प्रक्रिया को स्वीकार कर ले तो वह अपने कर्म को बदल सकता है। मानव शरीर में आत्मा विकास क्रम के मध्य बिंदु पर खड़ा है। यहां से वह चाहे तो अधोगति का अथवा पुनर्जन्म से छुटकारे में से किसी एक का चयन कर सकता है।